लोगों को जागरूक कर रहे हैं बैनर्स के थ्रू, और हमारा कैंडल मार्च जो है बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है अपना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है ना। आयुर्वेदा वाले जो डॉक्टर्स हैं, बड़े अनुभवी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, उनसे उनकी पद्धति वाला ट्रीटमेंट उनसे लेते रहें। एलोपैथी वाला जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं एलोपैथी के, उनसे वो लेते रहें, इनको मिक्स ना करें। इसीलिए हम लोग बड़ा पीसफुल तरीके से, ऑलमोस्ट हमने उस तरफ वाला शेयर उस दिन किया था, आज हम इस तरफ वाला करेंगे जो मेन बाज़ार है वहाँ से निकलेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये पता चले कि हमारा प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा है। बैनर छपा रखे हैं हम लोगों ने, मीडिया में कवरेज हम कर रहे हैं, और लगातार यूट्यूब पे भी हमारे जो हैं इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, ये सब हम इसी तरह से। आगे इस तरह से रूपरेखा रहेगी, अगर आगे रूपरेखा 14 तारीख की है, उसके बाद हमारा जो नेशनल बॉडी है वो डिसाइड करेगी, जैसा वो बोलेगी हम उस तरह से चलते रहेंगे। जैसा कि आपको विदित है, हमने 2 तारीख को भी कैंडल मार्च निकाला था अगेंस्ट मिक्सोपैथी। जो सरकार ने CCIM ने जो गाइडलाइंस दी हैं, वो दी हैं कि आप होम्योपैथ आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं उन सर्जरीज को करने के लिए जिसके लिए वो निपुण ही नहीं है। आप उनको 6 महीने में 8 महीने में साल में निपुण करके जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप इस तरीके के वहम में ना रहें। सरकार को हम जागरूक करना चाह रहे हैं, CCIM को हम जागरूक करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं हम किसी पैथी के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप आयुर्वेद को बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ाएं, आप होम्योपैथ को बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ाएं, लेकिन डोंट इंटरमिंगल विद एलोपैथ। एलोपैथ को इसके साथ आप मिक्स मत करिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारी विनती है, ताकि आम जन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। सर, काफ़ी दिनों से आपका यह संघर्ष चल रहा है, अभी आपकी बात आगे कोई अधिकारियों से या कहीं आगे कोई बातचीत हुई है आपकी किसी से? आपने देखा होगा ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा है, और कुछ हमने हमारे डेलीगेशंस आगे भी भेजे हैं। हमारी एक सर्वोच्च संस्था है IME की, सेंट्रल IME, सेंट्रल IME डिसाइड करेगी कि भी हमने आगे क्या कदम लेने हैं। उन्होंने कानूनी राय भी ली है और आगे की क्रियान्वित कराए आगे के प्रोग्राम को। जैसे कि आपको पता ही है कि 14 तारीख तक हमारा भूख हड़ताल का प्रोग्राम रहेगा। कल हमारी 10 तारीख को सिरसा में हमारी भूख हड़ताल है, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे कैंडिडेट का आ चुका है पहले ही प्लॉम कि भाई हम करेंगे भूख हड़ताल करेंगे। तो आगे क्या रहेगा अगर सरकार फिर भी नहीं मानती? उन्होंने तो कानून बना दिया, तो जैसे कृषि कानून है वापस नहीं हो रहा है इतने लंबे संघर्ष के बावजूद, आपको क्या लगता है कि आपका ये संघर्ष कैसा रंग लाएगा? हमारे ये संघर्ष हमने हमारे पर्सनल लेवल पे नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि जनता के साथ निष्पक्ष न्याय हो, जनता को पता लगे जो आपकी सर्जरी कर रहा है वो एक क्वालिफाइड सर्जन है या एक तैयार किया हुआ सर्जन है। हम यही चाहते हैं, हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। हमारी गाइड, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारी गाइडलाइंस सेंट्रल IME से डिसाइड होती हैं, हम उसकी तरह उसके साथ पूरी तरह उसके साथ हैं, जो भी वो निर्णय लेंगे हम उसको पूरा क्रियान्वित करेंगे। सर, एक बात और, मिक्सोथेरेपी और ये एलोपैथी में स्टडिंग वगैरह स्टड डालते हैं, उसकी बहुत कीमत होती है। आयुर्वेदिक में उन्होंने उसी चीज़ों के रेट बहुत कम रखे हैं, तो क्या ये डिफरेंस भी कोई मायने नहीं? रेट्स का डिफरेंस हमारी इस वक्त हमारी कोई ऐसा वो नहीं है क्या रेट है। आयुर्वेद में स्टेंट्स कभी नहीं डलेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमेशा, उनको आयुर्वेदिक पद्धति पढ़ाई जाती है, वो अपनी आयुर्वेद के हिसाब से वटी है, दवाइयाँ हैं वो लिखते हैं, बहुत चीज़ों में आयुर्वेद कारगर है, हम मानते हैं। सर्जरी का नहीं, देखो सर्जरी में भी पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के लिए सर्जरी करने के लिए दिया गया है। जैसे कि हमारे अंदर, हम पहले MBBS करते हैं, MBBS करने के बाद हम जनरल सर्जरी करते हैं, जनरल सर्जन पूरा हर चीज़ का सर्जन होता है, उसके बाद में जो सर्जरी होती है ENT का सर्जन, वो कान ना गले की सर्जरी करेगा। ENT सर्जन को ये कह दिया जाए कि तेरे को आँखों का कुछ वक्त के लिए ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो आँखों की सर्जरी कर ले, सर्जन तो निपुण है तो कर पाएगा क्या? नहीं। वही बात पेट की सर्जरी के लिए, वही बात कार्डियोथोरेसिक हार्ट की सर्जरी के लिए, हार्ट का सर्जन जनरल सर्जन बनने के 3 साल बाद बनेगा, यानी कि उसे 11 साल लगेंगे। तो आपका ये कहना है कि इतने लंबे अनुभव के बाद आप सर्जरी के काबिल बनते हैं, और सरकार इन आयुर्वेद वालों को खाली 3 महीने में आपके बराबर खड़ा करना चाहती है? हमारे बराबर खड़ा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए, लेकिन उनकी पैथी के अकॉर्डिंग करिए।
आप बाईपास मत करिए, आप मिक्स मत करिए कोई भी चीज़ को। हमारी सरकार से यही विनती है, हमारी आयुर्वेद संस्था से भी यही विनती है, नीमा से भी यही विनती है। हम नीमा से भी ये अनुरोध करेंगे कि उनकी पैथी, खुद की पैथी खराब हो रही है, उसको ना खराब होने दिया जाए, वो अपनी पैथी को आगे लेके जाएं, डोंट इंटरमिंगल इट। किसी से मुकाबला नहीं है, हम किसी से कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे हैं, ना तो आयुर्वेद से ना होम्योपैथी से, ये सारी अलग अलग डिसिप्लिन हैं और अपने अपने तरीके से इलाज करते हैं। यहाँ जो अभियान है ये कोई, हम किसी से लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये जो 15 दिन का अभियान हमारा IMA का चल रहा है, ये जनता को जागरूक करने के लिए है कि जनता को इससे क्या नुकसान होने वाला है। जो प्रोफेशनल हैं हम, वो तो जो भुगतेंगे सो भुगतेंगे, वो एक तरफ है, लेकिन जनता को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि आज मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मैं किसी का दांत नहीं निकाल सकता, मैं किसी की आँख का ऑपरेशन नहीं कर सकता, मैं किसी के नाक कान गले का ऑपरेशन नहीं कर सकता, लेकिन सरकार जो है आयुर्वेदिक में कोर्स बना के उन सबको इजाज़त देने जा रही है। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं, मुझे इजाज़त नहीं है करने की, लेकिन आयुर्वेद में उस कोर्स में वो सब ऑपरेशन कर पाएंगे और नतीजा उसका जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं वो तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। आपने सबने देखा है कोरोना में क्या हुआ है, जो भुगतती है वो गरीब और मिडिल क्लास की जनता भुगतती है, जिनके पास और कोई तरीका ही नहीं होता इलाज का, उनको यहीं इसी शहर में इलाज कराना है, तो उनको समझना होगा कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। इसी तरीके से हम कर रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नीतियाँ चलन में आ गई हैं और उनका क्या नतीजा होगा, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो ये हमारा जो आज का, जैसे हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये एक ध्यानाकर्षण है जिससे हम लोगों की जानकारी में लाना चाहते हैं कि उनको क्या नतीजा भविष्य में भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, ये जब तक ये नहीं होगा हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे।